अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ फारूक मलिक। केल से हम अड़न केल तक जा रहे हैं। पीछे एक उड़न खटोला लगा हुआ है जिससे लोग ना 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 ना। अच्छा, तो वहाँ पर रश बहुत था। हम तकरीबन 27 लोग हैं जिसमें से हम 3 लोगों ने डिसाइड किया है कि हम पैदल चल के ट्रैकिंग करके जाएंगे। अब तकरीबन 5:40-45 हो गए हैं, तो ये बताया जा रहा है कि 2 घंटे का ये ट्रैक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तकरीबन रात हो जाएगी रास्ते में। ये रास्ता है, ये इधर से जाएंगे और हमने जाना कहाँ पे है वो सामने ऊपर की पहाड़ी नजर आ रही है। हमने तो नहीं है फ्रेंड, नहीं है तो इसलिए हमें ये चाहिए भी नहीं। कोई है नहीं ऐसा जिसको हमने देना हो, कोई भी नहीं है फ्रेंड, यकीन करो। ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं है जिसको हम दें। देखो जब कोई होगी तब मैं ले लूंगा तुमसे, अभी नहीं। दे भी तो बहुत महंगा रही हो तुम। 100 रुपया सस्ता दे रही हूँ। ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। ये ट्रैकिंग एंड दिस इज ब्यूटीफुल ऑफ केल। आज पता चल रहा है जवानी का कि जवानी हमारे किस लेवल पे। यहाँ पर ना तो आज तक कोई गाड़ी आई है या ना ही यहाँ पे बिजली है। अब बहुत मुश्किल है। जवान और ये जवान ज़्यादा बैठी हुई है हसीन। ये सारे लोग हाइकिंग के लिए, मेरे ख्याल में आज के बाद हमारी तरह दे शुड डिसाइड टू नॉट कम एनी मोर। आपको ये हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। भाई जितना तब्दीली आई है ना हम भी वैसे ही जाएंगे। क्या कह रहे हो? तब्दीली आई है हम भी वैसे ही जाएंगे। मतलब सलाम सुनो, जिस तरह तब्दीली आ रही है यू टर्न का इरादा रखते हैं आप? नहीं नहीं, यू टर्न का इरादा रखते हैं आप? यू टर्न का कोई इरादा नहीं है। बहरहाल हालत बहुत खराब हो चुकी है। दिल करता है कि बंदा मस्त रात इधर ही बंद जाए, लेकिन अभी रात नहीं हुई और हमारी जो हिम्मत है कभी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट अगेन। असल में बात यह है, जो ट्रैक है ना ये ऐसे ऊपर की तरफ है, ऐसे सीधे नहीं है। सीधे होते ना फिर भी चलो कुछ आसरा हो जाता। अभी तो हमने आधा रास्ता भी देखा और 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम ऊपर कैसे पहुँचेंगे किरण? मैं तो ये सोच के परेशान हूँ। खैर गो, आ जाओ। हमने 40 मिनट में आधा सफ़र किया है। जो लोग कह रहे थे कि आपको 2 घंटे लगे, हमने 1 घंटे में सफ़र किया, सॉरी 40 मिनट में 1 घंटे का सफ़र किया। आपको 1.5 घंटा लगे। इट्स मीन वी आर गोइंग गुड। आधे सफ़र से ज़्यादा कर लिए हमने और हमें पता भी नहीं था। जब हम यहाँ पहुँचे हम यहाँ पर सस्ता आ रहे थे, तो हमें पता चला कि लिफ्ट वाले जो लोग हैं वो अभी हमसे पीछे हैं, तो अभी वो लोग आ रहे हैं। अब सो वी आर सुपीरियर, यू नो। आप इस उम्र में भी इतने शाश बजाज हैं, इस उम्र में हालत ख़राब हो गई है। क्या खाते हैं? सब्जी खाते हैं। और क्या खाते हैं? सिर्फ सब्जी पे गुजारा है। लेकिन पुराना मतलब 1 साल पुराना होगा ये। देखो भाई, तो ये आपकी रूटीन है डेली? देखें जी, सीन कुछ इस तरह से, हम तकरीबन बताया ही जा रहा है कि 10-15 मिनट मजीद हैं और हम तकरीबन पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हम घूम से पहुंचा। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे
मुगरे वगरे कोई नहीं है पीछे। अच्छा जी, तकरीबन रात होने वाली है एंड वी आर स्टिल ऑन ट्रैक। ये क्या हुआ है हम लोगों के? ये हमारा जवानी है। ये हमारा पैस को देखो, ये क्या हुआ? ये जवानी मवानी कुछ नहीं है, जवानी उतो लंग दीवानी है। जवानी दीवानी भी नहीं पा रही है। अभी भी कितना टाइम है ऊपर? ये 15 मिनट और ये करके देखाओ। आधे घंटे से ये सुन रहे हैं कि 15 मिनट और। ये जी तकरीबन रात हो चुकी है और लोग come on guys, come on, let's go! शोर मचाते हुए एक दूसरे को बुला रहे हैं। ये लोग जो है अरुणकेल से वापस जा रहे हैं एंड वी आर स्टिल ऑन द वे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, वेल 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 वेल। तो वहां जाके पता चलेगा कैसे। ये अभी भी तुम कहां तक जाना कह रहे हैं कि बस 5 मिनट का सफर है। ये हम आधे घंटे से पहुंच गए हैं यहां पे, आधे घंटे से सुनते आ रहे हैं। जरा अल्लाह करे पहुंच जाए। देखें जी पहुंच गए हम। आसार ये लग रहे हैं कि we are about to reach, welcome welcome destination bye, welcome to kaise hain aap, welcome to us। ay ay hi ali bhai, kyunki hum log pahunch gaye bhai hum rasta। ye ji ek uncle mile, woh hum keh rahe the ki ghadi pe 5 minute pure laga ke jao, ek ghanta ho gaya। aur उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि यकीन करो वहाँ जाके आपकी थकन जो है वो उतर से उतर जाएगी। इतना खूबसूरत नज़ारा है। सो लेट्स सी व्हाट अबाउट ब्यूटीफुल अरुणकेल। हाँ ये जी हम अरुणकेल पे इधर हेलो पहुँच चुके हैं और आपको दिखाऊं कि कैसी जगह। अभी तो हमारे अपने पकोड़े बने हुए हैं। आगे जाना है 5:40 पे हम वहाँ से निकले थे और अब इस टाइम 7:35 हो गए। टाइम लगा लेते कितने टाइम में हम पहुँचे, जो हम हमें लोग कह रहे थे कि 2 घंटे में पहुँचेंगे, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में। घर बैग पड़ा ये मेरा बैग, तो हम 2 घंटे से पहले पहुँचे। यार उनका गाना सुन लो, लाम था कौन सा? अच्छा आपने कहा रोका है, ला देगा भाई एक और चम्मच ला दो। काफ से मैं फिर रह गया यार। काफ तो कोरी काफ तो कोरी ना आगे दिमाग नहीं आता जा रहा। मेरे ख्यालों पे चाही है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं आता पता मालूम नहीं। कोको कोरी ना, कोको कोरी ना, नून 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 किससे आता है? मुझे किससे आता है? किससे हमने किससे आपने हमें क्या दिया? किससे दिया है? किससे आप लोगों ने दिया क्या है? काफ काफ के गाफ काफ काफ कुत्ते वाला। अभी जो बादल बरसे तुझे आके बर के वादे, कूड़े जो हन तेरे वादे। हाँ जी ओ तेरी हाय। अच्छा गल्ला में करा कि
इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। तो जी मैं बड़ा खुश हो रहा था कि ये ऐसी जगह है एटलीस्ट जहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं आती, जहाँ पे मोबाइल नहीं चलता, जहाँ बिजली नहीं है। लेकिन इट इज़ रियली सरप्राइज फॉर मी। बढ़ गया। सवाल ये है कि ये ट्रैक्टर, ये ट्रक यहाँ पे इतनी दूर आए कैसे, जबकि हम जितनी मुश्किल से आए हैं, यू नो इट वेरी वेल। बता रहे हैं कि ये उठा के ले गया है, यहाँ इतनी दूर कैसे उठा के ले गया है। देखें जी, आने का रास्ता बहुत मुश्किल है, इस वजह से वी हैव डिसाइडेड टू गो बैक ऑन दिस ट्रैक्टर। बात की समझ नहीं आ रही कि जब यहाँ पे गर्मियाँ नहीं है तो ये स्कूल में गर्मी की छुट्टियाँ क्यों है। हाँ जी, फाइनली सीन कुछ ऐसा है कि अब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं पूरे अड़नकेल को एक्सप्लोर करने के बाद। ये कोई पता नहीं होगा कि आगे जाके लाइन में खड़ा होना पड़ेगा वो डोली के लिए। ये भाई तो ट्रैकिंग करते जाएंगे, फरहान को वेट करना पड़ेगा डोली में बैठने के लिए, फिर अपने पिया घर सुधारने के लिए। सो सी यू ऑन नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हाँ जी, दोबारा से ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है एंड वी आर गोइंग बैक। ये है जगह, आप दरमियान में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जाना है थ्रू हाइकिंग एंड ट्रैक। इन बंदों की हिम्मत है कसम से, मतलब इनको कोई परेशानी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, जूते भी वैसे पहने हुए ऐसे आते हैं चीते के लिए ठा फा। लेकिन हमारा ये हाल है, आ गया बहुत डेंजरस वहाँ से लोग आ रहे हैं और ये इतनी स्लिपरी हुई हुई जगह जहाँ से खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई गिर जाए, कुछ जाएगा उधर ही खुदा के दुश्मन। हेलो भाई, नीचे तक पैदल जाना है। गेट चाहिए सर हमारे पास? नहीं नहीं, हमारे पास आए आए, ये लाइन लगी हुई है जनाब लिफ्ट पे बैठने के लिए, और हम जैसे पैदल आए थे वैसे। हाँ जी, कश्मीर घूमना इतना भी आसान नहीं है जितना लोग समझते। बाकी है कि आई गेस आधा सफ़र जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और अभी हम नीचे ताकि मंजिल जो है हमारी ऊपर से नीचे आ गए तो उस मंजिल की तरफ रवाना दवा है। वो दिखाएंगे उड़न खटोला जा रहा है जी, ये देखें जिसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उसमें 8 सवारियाँ बैठती हैं और 100 रुपये एक सवारी की लेते हैं वाले में। लेकिन हमको है हाँ भाई जवाब, कल मैं जाऊँगा। हाँ
कान बंद हो गए इतनी ऊंचाई पे आके। अच्छा जवाब, आहिस्ता आहिस्ता चलने से ना ये भागना ज़्यादा बेहतर है, बस खतरा होता कि बंदा गिर ना जाए, अदरवाइज बहुत जल्दी बंदा भाग जाता। इधर जाना नहीं, इधर कैसे पहुँचे? बहुत फिट तरीके से भाई। मैं तो शुरू से यही चलने की चाह रहा था। आपने जो मशवरा दिया है ना, तो मशवरे पे हम अमल करते हुए। हाँ जी, एक गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि हम वापस पहुंच चुके हैं। ये